सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो SAG सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स का HF बुल है 40420, जिसको मॉरिस भी कहते हैं, उसके बारे में कि क्या क्या उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव में हैं, कौन से करेक्टर्स उसके नेगेटिव में हैं, और आपके फार्म पे आपको यूज़ करने से उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, और क्या वो आपके गांव आपकी जो गाय हैं उनके अंदर किस टाइप में ब्रीड इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ इसकी 17 नवंबर 2019 है, तो लगभग 5 साल का ये बुल है, और इसकी जो ब्रीडिंग की थी वो मास्टर रिन जर्मनी से है। तो जर्मनी से ये इम्पोर्ट होके आया है जो SAG ने परचेज़ किया है। तो इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं वो भी इन्होंने शॉर्ट में लिख रखा है कि ये टाइप आपके इम्प्रूव करेगा, प्रोडक्शन में आपको इम्प्रूवमेंट देगा, और कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स मतलब हो गए जैसे आपका जो फैट प्रोटीन, इनको इम्प्रूव करने में। जनरली यूरोप साइड के जो बुल्स होते हैं, डेनमार्क के, जर्मनी के, वो काफ़ी अच्छे फैट और SNF के इम्प्रूवर्स होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे बुल की फ़ोटो देख सकते हो, 40420 वाइट कलर में थोड़ा ज़्यादा है। सीधा चलते हैं इसकी पेडिग्री डिटेल्स पे। तो इसकी जो पेडिग्री है वो है एल्टा हॉट हैंड, गॉर्डन और एमरिच। इसके अंदर जो सायर है, इसका फादर वो है पीक एल्टा हॉट हैंड ET, तो ये इसका फादर है। और इसकी जो मदर है डैम, वो है फारसे पोर्टुगल। इसके बारे में इसका पूरा जो रिकॉर्ड है, इसकी मदर का कितना मिल्क था, कितना फैट है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके जो मैटरनल ग्रैंड सायर है, जो इसका नाना है, वो भी आप इसमें मेंशन है। तो ये आ जाता है अब इसका डैम का डिटेल्स। तो इसकी जो डैम का मैक्सिमम लैक्टेशन यील्ड है वो है लगभग 10,956 किलो, तो लगभग 11,000 किलो के करीब है, जो कि ठीक ठाक रिकॉर्ड है एक लैक्टेशन में। और ये मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, आप देखिए फैट जो है वो 4% से प्लस है, 4.15% फैट के साथ इसकी मदर ने मिल्क दिया है, और प्रोटीन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है 3.69%। तो जनरली जो यूरोप के बुल्स होते हैं आप देखोगे, उनमें जो जर्मनी से या डेनमार्क से आते हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर आप उनको USA के बुल से कंपेयर करोगे, तो यूरोप के बुल्स में जो फैट और प्रोटीन परसेंटेज है वो आपको थोड़ी हाई मिलेगी। इसके अलावा इसका ये डाटा देख सकते हो आप, CDCB 2022 का डाटा है, मिल्क भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, प्लस 2147 किलो, फैट और प्रोटीन इम्प्रूवर तो है ही, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। फैट प्लस 98 kg, और जो प्रोटीन है प्लस 63 kg। और प्रोटीन के टाइप के बारे में बात करेंगे तो A1 A2 इसका प्रोटीन है। ज़्यादातर आपने देसी गायों में देखा है कि आपको A2 प्रोटीन मिलता है, और HS में आपको A1 A2 भी मिल जाता है, A2 A2 भी मिल जाता है, A1 A1 भी मिल जाता है। तो इनके अंदर किसी भी टाइप का प्रोटीन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो मिल्क इम्प्रूवर है, फैट और प्रोटीन इम्प्रूवर है। इसके बाद बाकी इसकी फर्टिलिटी और सोमेटिक सेल स्कोर देखते हैं। यहाँ पर एक भाई का हमारे पास मैसेज भी आया था कि थोड़ा फर्टिलिटी को डिटेल में डिस्कस करना है, तो आज थोड़ा सा फर्टिलिटी पे फोकस करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्टिव लाइफ बता देते हैं, 2.9 मंथ्स की है, प्लस 2.9, तो इसका मतलब होता है कि कितने लंबे टाइम तक वो आपके हर्ड में प्रोडक्टिव बना रहेगा, वो अपना दूध मेंटेन करके चलेगा। अगर सिंपल भाषा में समझें तो जितना ज़्यादा ये प्लस में होगा प्रोडक्टिव लाइफ, मतलब उतना ही ज़्यादा लंबे टाइम तक आपका जो एनिमल है वो दूध देता रहेगा, जल्दी उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डाउन नहीं होगा। इसके अलावा जो सोमेटिक सेल स्कोर है वो 2.8 है। ये जितना कम होगा सोमेटिक सेल स्कोर, उतना ही जो इसके आने वाले बच्चे हैं, हीफर्स हैं, उसको मेस्टाइटिस होने की चांसेस उतने ही ज़्यादा कम होंगे। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के ये तीन टाइप होते हैं, एक में डॉटर प्रेगनेंसी रेट देखते हैं, एक में जो उसकी हीफर होती हैं बुल की उसकी कंसेप्शन रेट, जो वर्जिन हीफर्स होती हैं जिनको फर्स्ट टाइम कंसीव कराना होता है, और एक होता है काओ कंसेप्शन रेट, जब वो लैक्टेशन में चली जाती हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ लैक्टेशन में, उस टाइम उनकी कंसेप्शन रेट कैसी होती है। तो इसके अंदर सब
माइनस में है, जैसे माइनस वन है, माइनस पॉइंट फोर है, माइनस पॉइंट सिक्स है, तो क्या इस बुल की फर्टिलिटी माइनस में है, क्या आपको कंसेप्शन की प्रॉब्लम आएगी। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो डाटा है ये हर 5 साल के अंदर अपडेट होता है। 5 साल के अंदर जो भी जितने भी रजिस्टर्ड बुल्स हैं, उनके हिफर्स हैं, उनकी एक बेस वैल्यू निकालते हैं। उस बेस वैल्यू को मानो आप ज़ीरो कर देते हैं, और उसके बाद वहाँ से, जैसे हमने मिल्क प्रोडक्शन में भी देखा था कि प्लस 2000 है इसका, प्लस 2167, तो वो बेस वैल्यू से कैलकुलेट होता है। मानो मिल्क प्रोडक्शन का बेस वैल्यू आपका 10000 लीटर है, तो उससे प्लस करेगा या उससे माइनस करेगा, तो ये उस टाइप से कैलकुलेट होता है। और ऐसे ही फर्टिलिटी का, प्रोडक्टिव लाइफ का और इन सब का भी डाटा इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। तो इसकी जो बेस वैल्यू है उससे जो इसकी फर्टिलिटी है वो थोड़ी माइनस में है, और ये जो माइनस का मतलब है ये परसेंटेज में माइनस है। जैसे हीफर कंसेप्शन, काओ कंसेप्शन माइनस पॉइंट फोर है और माइनस पॉइंट सिक्स है। कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज हर्ड है उससे 0.4 या 0.6% चांसेस कम होंगे इसकी जो डॉटर्स हैं या काओ हैं उनको कंसीव करने में। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही, अगर बड़ा हर्ड है तब ये ज़्यादा डिफरेंस आपको लगेगा कि लगा लो अगर 1000 गाय हैं तो उसके अंदर 4 गाय या 6 गाय 0.4, 0.6 उनको कंसेप्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपका स्मॉल हर्ड है तो उसके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो अगर हल्का सा माइनस में है आपका ये जो कंसेप्शन रेट है, थोड़ा बहुत माइनस में है, माइनस वन से नीचे ना हो, हल्का माइनस में है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर जो बुल के बाकी सब पैरामीटर्स हैं, फीट लेग्स हैं, अडर हैं, मिल्क इम्प्रूवमेंट हैं, बाकी सब जो पैरामीटर्स हैं वो अगर पॉजिटिव में हैं, जो आपको डिज़ायर्ड वैल्यूज़ चाहिए, अगर वो पैरामीटर्स उसी टाइप से हैं, तो आप जो कंसेप्शन रेट है आप कोशिश करो ये ज़्यादा माइनस वन से नीचे कहीं भी ना हो, क्योंकि तब आपके फार्म पे फ़र्क पड़ने लगेगा। अगर हल्का माइनस है, 0.4 है, 0.6 है और बाकी सब पैरामीटर्स अच्छे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके अलावा जो सायर काल्विंग ईज है या डॉटर काल्विंग ईज है, ये काल्विंग ईज होती है कि जन्म के टाइम पे कितने बच्चे जो हैं वो काल्विंग के टाइम फंसते हैं। जैसे मुश्किल से काल्विंग होती है, आपको सपोर्ट करनी पड़ती है, बच्चे को खींचना पड़ता है, या डिस्टोकिया होने के चांसेस होते हैं, तो ये जितना परसेंटेज कम होगा उतना ही अच्छा है। मतलब उतना ही परसेंटेज चांसेस कम होते हैं कि आपके जो डिस्टोकिया का केस है या जो काल्विंग है वो डिफ़िकल्ट होगी। इसके अंदर सिर्फ 1.7% चांसेस हैं कि काल्विंग जो है वो डिफ़िकल्ट होने के। तो ये वाली वैल्यू आपको देखनी है कि जितनी कम हो उतनी अच्छी है। फर्टिलिटी भी आपको देखनी है, जितनी ज़्यादा प्लस में हो उतना अच्छा है, लेकिन हल्का माइनस में चल सकता है अगर जो आप जहाँ पे आप अपने फार्म पे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि फर्टिलिटी साथ में और चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। जैसे आप एग्जांपल लोगे, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आप विटामिन मिनरल्स वगैरह कितने दे रहे हो, तो इस टाइप से भी उस पे डिपेंड करता है जो आपकी फर्टिलिटी है। इसके अलावा ये इसका कन्फर्मेशंस का है, इसके अंदर आपका TPI आता है प्लस 2671, ये हमने पहले ही बताया है, ये ओवरऑल स्कोर होता है जिसके अंदर हर एक चीज़ की हम थोड़ी थोड़ी परसेंटेज लेते हैं, अडर्स की, हेल्थ की, फीट एंड लेग स्कोर की, प्रोडक्शन की, उसके बाद हम ये डाटा बनाते हैं। तो ये जितना ज़्यादा होता है TPI स्कोर, उतना ही जो बुल है वो एक्सपेंसिव होता है, उतना ही उसका सीमन प्राइस भी ज़्यादा होता है, और ओवरऑल उतना ही वो अच्छा होता है। और यहाँ पे UDC है, उसके अडर का स्कोर है प्लस 1.93, काफ़ी अच्छा प्लस में है। फीट एंड लेग स्कोर है, ये भी काफ़ी प्लस में है, प्लस 0.72। तो मैं यही बात कर रहा था कि इसके ज़्यादातर कंपोनेंट्स जो हैं वो प्लस में हैं। अडर स्कोर भी काफ़ी प्लस में है, फीट लेग स्कोर भी प्लस में है, मिल्क इम्प्रूवमेंट भी प्लस में है, तो ज़्यादातर सारी चीज़ें प्लस कर रहा है। थोड़ा सा इसका जो फर्टिलिटी है वो माइनस में है, लेकिन इतनी नहीं है, आप माइनस वन से नीचे मत जाने देना, उससे ऊपर रखो तो आप, और अपने फार्म पे अगर आप प्रॉपर अच्छा न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करते हो, गाय के प्रॉपर विटामिन मिनरल्स पूरे रहते हैं, तो आपको ज़्यादा कोई कंसेप्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेचर इसका टॉल है, ऊंचा बुल है, स्ट्रॉन्ग बच्चे आएंगे, पूरा चौड़ी जो रिब्स है ओपन रिब्स का है, तो उस टाइप से जो डेयरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और जो अडर स्कोर है वो तो काफ़ी ज़्यादा प्लस में है ही,
तो फ्रंट अडर, आगे का अडर अटैचमेंट भी अच्छा है, पीछे से भी अडर काफ़ी ऊंचा बनेगा, चौड़ा बनेगा, पीछे अडर क्लेफ्ट भी, तो अडर क्वालिटी तो इसकी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आएगी, बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा अडर क्वालिटी आएगा, बहुत ऊपर से हाई स्ट्रॉन्ग वाइड अडर बनेंगे इसके। इसके अलावा आप देख सकते हो इसका फीट एंड लेग स्कोर भी पॉजिटिव में है, और जो फ्रंट टीथ प्लेसमेंट है, टीथ प्लेसमेंट थोड़ी सी क्लोज है, जो थन है वो थोड़े से इसके नज़दीक आएंगे, टीथ्स जो हैं वो हल्के नज़दीक आएंगे, और टीथ लेंथ हल्की सी लॉन्ग आएगी। जनरली HF में बहुत छोटे छोटे टीथ आते हैं, तो जो मिल्किंग मशीन के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार जिनके पास मिल्किंग मशीन नहीं है तो हाथ से निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके टीथ लेंथ भी हल्के से लंबे हैं, तो हैंड मिल्किंग करते हुए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।